एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक भगतपुर टांडा स्थित बुढ़ानपुर जा पहुंचा। लगभग 7,000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 41 किलोमीटर दूर तथा ब्लॉक से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्तमान समय में गांव के प्रधान शमीम अहमद हैं। ग्राम प्रधान शमीम अहमद अपने गाँव की तरक्की एवं खुशहाली के लिए बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ग्राम प्रधान ने एबीपीएस न्यूज टीम को बताया कि गाँव में 1175 राशन कार्ड धारक हैं तो वहीं 100 विधवा पेंशन लाभार्थी हैं। गाँव में 60 वृद्धा पेंशन लाभार्थी हैं तथा 4 विकलांग पेंशन लाभार्थी हैं। गांव के प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि गांव में एक प्राइमरी पाठशाला में जिसमें लगभग 192 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं एवं एक जूनियर हाई स्कूल है जिसमें लगभग 100 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। गांव के विकास की बात की जाए तो गांव के प्रधान ने गांव में 60 हैंडपंप, 200 बिजली के खम्भे एवं 5 बिजली ट्रांसफार्मर भी लगवाए हैं। वहीं गाँव के प्रधान ने बताया कि सरकार द्वारा आने वाली धनराशि किस्तें सुचारू रूप से मुहैया नहीं हो पा रही हैं जिससे गांव का विकास अधूरा है। वहीं गांव के प्रधान ने सरकार से मांग की है कि गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सरकारी आवास, राजकीय इंटर कॉलेज तथा उखड़ी पड़ी पंचायत घर की सड़क का निर्माण कराने के लिए जल्द से जल्द धनराशि की किस्तों का भुगतान करें। मैं ग्राम प्रधान शमीम अहमद बोल रहा हूं। मैं इस गांव का प्रधान हूं। इससे पहले मेरी मदर 10 साल की प्रधान रह चुकी है लगातार, लेकिन मैंने इस अपने कार्यकाल में कम से कम 500-700 मीटर सीसी करा चुका हूँ और गांव के काफ़ी रिबोर भी करा चुका हूँ। हैंडपम्प की मरम्मत भी काफ़ी करा दी, क्योंकि मेरे गांव की जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ पैसा इतना मुहैया नहीं हो पा रहा कि मैं पूरे गांव को सीसी टेल से, लेकिन मेरा पूरा प्रयास है, मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट से धन मुहैया हो जाएगा और मेरा प्रयास है कि मैं अपने गांव बुढ़ानपुर को इस ब्लॉक का नंबर एक गांव बनाऊंगा। मेरा सपना है और मेरा शासन से गवर्नमेंट से ये मेरे प्रस्ताव है कि मेरे गांव को कम से कम 1000 मीटर सीसी टाइल्स मिल जानी चाहिए और मेरे गांव को एक पानी की टंकी मिल जानी चाहिए। मेरे यहां वृद्धावस्था पेंशन भी लोगों की कम है, मेरा प्रयास इतनी मैं बनवा रहा हूं और विकलांग भी कम है उसका भी मेरे पास प्रयास है लगातार, क्योंकि गांव बड़ा होने के नाते यहां आवास भी कम आए जिससे गरीबों का भी उद्धार नहीं हो रहा है। मैं अपनी यूपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे यहाँ के लिए स्पेशल पैकेज दिया जाए जिससे हमारा गांव भरपूर तरक्की पाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता मिशन का एक नारा चलाया, उसके अधीन भी मैंने कम से कम 100-125 शौचालय बनवा चुके हैं गरीबों के, और अभी मेरा सवा दो साल का कार्यकाल हुआ है। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मेरा प्रयास रहेगा कि इस गांव को मैं एक शहर के रूप में, एक नगर के रूप में देखना चाहता हूँ। सालों में भी इतना काम नहीं हुआ जितना कि 3 सालों में इस प्रधानी में काम हो रहा है। बहुत बढ़िया काम हो रहा है हमारे गाँव में। तमाम नाले खरंजे तमाम बन गए हैं काफ़ी, और अभी बहुत मामला खस्ता तक है। अभी कोई सुविधा गांव में इतनी, पैसा कमा रहा है सरकार से, काम नहीं हो रहा हमारे गांव में। पैसा आ रहा है और भी पैसा लग रहा है, मतलब पहले बहुत पुरानी खस्ता ही है। इस प्रधान ने बहुत अच्छा काम कर रखा है,